अरे कनकराज, जब से लक्ष्मी इस घर में लौट के आई है तब से सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। हाँ पिताजी, अब तो लक्ष्मी को देखने से भी बहुत डर लग रहा है। मुझे तो इस घर में रहने से भी डर लग रहा है। लेकिन एक बात तो सच है, अभी जो हमारे घर में लक्ष्मी है वो लक्ष्मी नहीं है। सही कहा, वो कोई और है। हाँ हाँ, ऐसा लगता है कि वो जादू टोना सीख कर ही आई है, इसीलिए नागलोक से आने का वो ड्रामा कर रही है। दरअसल जब हमने उसे बाहर निकाला था ना, लगता है उसी आधी रात में जरूर किसी चुड़ैल ने उसे चपेट में ले लिया है। अब कुछ भी करके उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना होगा कनकराज, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ। दीदी, मेरी जान पहचान के एक मंत्रवादी है। हाँ। उसे लेकर आऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ। वो मंत्रवादी कौन है? नाम है भैरव। कनकराज, यहाँ क्यों आया? मुझे तुमसे एक काम है। जैसे आया वैसे ही बाहर चला जा। ऐसा मत बोलो भैरव। जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं होता तब तक कोई काम नहीं। तुम पर विश्वास करके तो मैं इन्हें लाया हूँ। जब तक मेरे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलती किसी से नहीं मिलूंगा। तुम्हें हमारी पुरानी दोस्ती का वास्ता भैरव, एक बार मेरी बात तो सुन लो। नहीं सुनूंगा। जब तक मैं अपनी मंत्र विद्या से अपना इंतकाम नहीं ले लेता तब तक किसी से मिलना तो दूर, किसी से बात भी नहीं करूंगा। तुम अपनी ही बात बोलते रहोगे या मेरी?